फ्रेंड्स, हेल्दी कढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी बेसन की नान खटाई। नान खटाई जनरली मैदे की बनती है, बट हम हेल्दी नान खटाई बनाएंगे जिसके अंदर हम यूज करेंगे बेसन और आटा। तो आइए देखें कैसे बनेगी नान खटाई घर पर। मैं उम्मीद करती हूँ हेल्दी कढ़ाई की रेसिपीज आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेंगे 3/4 कप बेसन, 1/4 कप आटा, 1/3 कप देसी घी, आप चाहे तो घर का बना हुआ सफेद मक्खन भी ले सकते हैं, आधा कप चीनी का, 2 पीस हरी इलायची, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच नमक। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे जिसके अंदर हम पीस लेंगे चीनी और हरी इलायची को, जिससे कि हमें एक पाउडर मिल जाए। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। और ये मैंने चीनी को और इलायची को पीस लिया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे देसी घी। देसी घी और चीनी को अच्छे से मिला लेना है जिससे हमें एक क्रीमी मिक्सचर मिल जाए। और मेरा मिक्सचर तैयार है। साथ ही में हम छान लेंगे हमारे सारे सूखे हुए इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि बेसन, आटा, नमक, बेकिंग पाउडर। इन चारों चीजों को हमें छान लेना है। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और चीनी और घी के मिक्सचर को, जिससे कि हमें एक आटा मिल जाए। हमें एक आटा गूंद लेना है नान खटाई बनाने के लिए। और तैयार है मेरा नान खटाई का आटा। ये बहुत ज्यादा स्टिफ आटा नहीं होगा, ये थोड़ा मॉइस्ट आटा होगा, जैसे कि ये है। आपको इसकी नान खटाई की गोलियां बना लेनी है। जैसे हम कोई भी और बिस्किट कुकीज बनाते हैं, वैसे हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। आप इसका शेप और साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। जनरली नान खटाई गोल ही होती है, तो मैंने इसे गोल ही शेप दिया है। और इस तरीके से आप नान खटाई को थोड़ा फ्लैट कर लीजिए और बाकी सारी नान खटाई तैयार कर लीजिए। मैंने ऐसे सारी नान खटाई, बेसन की नान खटाई तैयार कर ली है। लास्ट में एज अ फाइनल स्टेप हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे, जिसमें मैं लगा रही हूँ एक आधा कटा हुआ बादाम का पीस। आप चाहे तो कोई भी और ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद हो। जनरली नान खटाई मैदे की बनती है। हम ये हेल्दी नान खटाई बना रहे हैं बेसन और आटे की। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। अब आप इन नान खटाई को अवन में बेक कर सकते हैं, या मैं अपने एयर फ्रायर में इन नान खटाई को बेक करूंगी, जिसके लिए मैंने अपना एयर फ्रायर ऑलरेडी 180 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। हमारा एयर फ्रायर ऑलरेडी प्रीहीटेड है, जिसके अंदर हम अपनी सारी तैयार की गई नान खटाई रखेंगे। इसके अंदर मैंने एक फॉइल पेपर लगा दिया है, जिससे कि नान खटाई बेस के ऊपर चिपके नहीं। आप बहुत ध्यान से नान खटाई को एयर फ्रायर की बास्केट के अंदर रखिए। और इसे अब हम एयर फ्राई करेंगे, बेक करेंगे हमारे एयर फ्रायर में, जिसके लिए हम 160 डिग्रीज पे 8 मिनट के लिए नान खटाई को बेक करेंगे। अगर आपको 8 मिनट के बाद लगता है कि नान खटाई थोड़ी कच्ची है, तो आप 1-2 मिनट और भी बेक कर सकते हैं। और अब हम बेक करते हैं। आठ मिनट हो चुके हैं। आइए खोलते हैं अपने एयर फ्रायर को और देखते हैं हमारी बेसन की नान खटाई तैयार है। और जी हाँ, ये देखिए मेरी बेसन की नान खटाई बिल्कुल तैयार है। आइए इन्हें सर्व करते हैं। नान खटाई को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। इसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन चाहे इन्हें खा सकते हैं। ये चाय के साथ, दूध के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इन्हें बच्चों के टिफिन में भेजिए, अपने ऑफिस में लेके जाइए और एंजॉय करिए घर की बनी हुई हेल्दी बेसन की नान खटाई। नान खटाई की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अपने कमेंट्स और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।